नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोटर क्रेज में। अभी आप देख रहे हैं ऑल न्यू मारुति सुजुकी ऑल्टो KTN का VXI वेरिएंट, जिसके ऊपर ना यहाँ पर आप देख सकते हैं कम्प्लीटली एक्सेसरीज कंपनी ने यहाँ पर फिटिंग की है, जिसमें हम अभी बात करेंगे कि क्या क्या एक्सेसरीज आप ऑल्टो KTN के ऊपर लगवा सकते हैं, एक्सेसरीज की प्राइसिंग वगैरह आपको क्या पड़ती है, उन सब के बारे में हम यहाँ पर अभी डिटेल में बात करते हैं। तो एक एक करके सारी एक्सेसरीज मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ और वीडियो के एंड में ना सारी की सारी जो जितने भी एक्सेसरीज इसके ऊपर लगी हुई है उसकी प्राइसिंग भी मैं आपके साथ अभी शेयर कर देता हूँ। VXI वेरिएंट आप ये देख रहे हैं, जो एक तरीके से वैल्यू फॉर मनी मॉडल है, काफ़ी ज़्यादा ऑल्टो KTN का सबसे ज़्यादा बिकने वाला मॉडल आप ये देख रहे हैं VXI वेरिएंट की। अगर आप देखेंगे ना तो कुछ ऐसी की आपको VXI वेरिएंट के अंदर देखने के लिए मिल जाती है, नॉर्मल सी की आपको इसमें मिलती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हैलोजन में लाइट से सामने की तरफ टर्न इंडिकेटर से सामने की तरफ आपको क्या एक्सेसरीज इसमें लगवाई हुई मिलती है। यहाँ पर आपको पूरा डिफ्यूज़र मिलता है ब्लैक और सिल्वर फिनिश के अंदर, जो एक सामने की तरफ से गाड़ी को ना स्पोर्टी लुक देता है। साइड में अगर आप यहाँ पर देखेंगे ना तो टायर्स के ऊपर भी यहाँ पर कम्प्लीटली व्हील आर्चेस आपको यहाँ पर मिल जाता है, ब्लैक फिनिश के अंदर व्हील आर्चेस है, जिससे कि एक तरीके से स्क्रैचेस से भी आपको प्रोटेक्शन होता है और लुक्स के मामले में भी काफ़ी ज़्यादा ये सही लगता है। अलॉय व्हील्स भी आपको इसमें दिए गए हैं, अलॉय व्हील्स की भी प्राइसिंग मैं आपके साथ अभी शेयर कर देता हूँ। डायमंड कट में डुअल टोन में अलॉय व्हील्स आपको इसमें दिए गए हैं। अगर हम इसकी टायर साइज़ की बात करें ना तो 13 इंच के ये व्हील्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। एक तरीके से गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस आपको गाड़ी ऑफर करती है। पूरा साइड प्रोफाइल आप एक देख लीजिए, साइड की तरफ से ये कुछ पूरा इसका साइड का प्रोफाइल आपको देखने के लिए मिल जाता है। डोर्स के ऊपर भी पूरे आपको क्लैडिंग यहाँ पर दी गई है, ब्लैक फिनिश के अंदर क्लैडिंग है, जो काफ़ी एक अल्टीमेट लुक यहाँ पर गाड़ी को दे रही है। ऊपर भी अगर आप देखेंगे तो पूरे रेन वाइजर से आपके पास में ब्लैक और यहाँ पर क्रोम की लाइनिंग है, जो एक प्रीमियम बनाती है इसे काफ़ी ज़्यादा। ऊपर की तरफ भी आपको यहाँ पर रेडियो के लिए एंटीना है आपके पास में, ये भी आप एडजस्टमेंट इसमें करवा सकते हैं। बाकी पीछे के व्हील्स आप देखिए, यहाँ पर आपको ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं, सामने आपको इसमें वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं। तो ये कुछ इसका पीछे का भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, पूरी क्लैडिंग है पीछे की तरफ भी आपके पास में। ऊपर अगर आप आएंगे तो यहाँ पर स्पॉयलर है, रियर स्पॉयलर है आपके पास में, हाई माउंट स्टॉप लाइट है और लाइट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हैलोजन में लाइट्स आपको दी गई है। दो इसमें आपको पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं, रिवर्स कैमरा आप चाहे तो कंपनी से लगवा भी सकते हैं, काफ़ी अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस आपको यहाँ पर मिल जाता है। अगर हम इसमें बूट की बात करें तो 214 लीटर्स का बूट स्पेस आपको यहाँ पर दिया हुआ है और आप इन सीट्स को जो है फोल्ड भी कर सकते हो, फोल्डेबल सीट्स है आपके पास में। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो कम्प्लीटली आपको यहाँ पर स्पेयर व्हील मिलता है, टूल किट के साथ में कम्प्लीटली ये आता है। अगर मैं आपको इसका साइड प्रोफाइल दिखाऊँ की को निकाल लेते हैं, और पीछे की तरफ भी अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ पर आप डिफ्यूज़र आप इसे कह सकते हैं, सिल्वर और ब्लैक डुअल टोन फिनिश के अंदर ही आपको मिलता है। इस तरफ से अगर आप आएंगे तो ये कुछ पूरा साइड का प्रोफाइल आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। 27 लीटर्स का फ्यूल टैंक आपको यहाँ पर दिया हुआ है। बाकी ये कुछ इसका एक्सटीरियर आपने देख लिया, मिरर्स अगर आप इसमें देखेंगे ना तो ब्लैक फिनिश के अंदर आता है, एक तरीके से मतलब बॉडी कलर में नहीं है। और जो इसमें जो ये एक्सेसरीज कम्प्लीटली लगी हुई है ना, उसकी वजह से मिरर भी काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से ब्लैक फिनिश में अच्छे यहाँ पर लगने लगे हैं। तो ये कुछ आपको मैंने अभी इसका एक्सटीरियर का लुक यहाँ पर बता दिया, अभी ना मैं आपको इसमें इंटीरियर की ओर लेके चलता हूँ। आइए सबसे पहले ना पीछे की सीट्स मैं आपको दिखा देता हूँ। इसकी पीछे अगर आप यहाँ पर देखेंगे ना तो ये कुछ पूरा डोर का डिज़ाइन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। मैनुअल आपको इसमें विंडोज़ दी गई है, लेकिन सामने की तरफ आपको पावर विंडोज़ यहाँ पर ज़रूर मिल जाती है, लेकिन पीछे के पैसेज के लिए हाथ से ही ऊपर नीचे करने वाली विंडो आपको मिलेगी। स्पीकर्स की प्लेसमेंट यहाँ पर नहीं है, शायद दो ही स्पीकर आपको मिलते हैं, ये VXI वेरिएंट है। तो बाकी पीछे का लुक आप यहाँ पर देख सकते हैं, कुछ ऐसा मिलता है। और सीट्स भी इसमें यहाँ पर लगाई हुई है, जिसकी भी प्राइसिंग मैं आपके साथ में शेयर करूँगा। सीट्स का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, कुछ ऐसा सीट्स आपको यहाँ पर दी गई है। आइए अंदर बैठते हैं, और स्पेस के मामले में एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा सही आपको मिलती है। कंप्लीट रिव्यू भी हमने बनाया है ऑल्टो KTN का, तो चैनल के ऊपर वो भी आपके अवेलेबल हो जाएगा। अंदर की तरफ से ये कुछ पूरा इंटीरियर का लेआउट है, कुछ ऐसी दिखती है पीछे की तरफ से देखने पर। एक तरीके से कंप्लीट एक्सेसरीज़ का पैकेज इस गाड़ी के ऊपर लगा हुआ है, तो आपको एक अंदाज़ा आ जाएगा कि यार आप क्या क्या एक्सेसरीज़ इसमें लगवा सकते हैं। और विथ प्राइसिंग मैं आपके साथ अभी इसकी शेयर करने वाला हूँ। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं डोर का जो डिज़ाइन है, ड्राइवर साइड डोर के ऊपर आपको क्या मिलता है। यहाँ पर आपको मिरर को एडजस्ट करने के कंट्रोल से नीचे स्पीकर्स की प्लेसमेंट है, और यहाँ पर थोड़ी बहुत स्पेस आपको मिलेगी। और ये कुछ इसका फ्रंट डैशबोर्ड आप देख सकते हैं, कुछ ऐसा दिखता है। काफ़ी एक तरीके से गाड़ी जो है ना अंदर बैठने पर काफ़ी ज़्यादा खुली खुली सी फीलिंग आपको देती है। सीट्स का जो सपोर्ट है एक तरीके से वो कम्फर्टेबल आपको मिलता है, और एक तरीके से सीट्स को आप रिक्लाइन कर सकते हैं और आगे और पीछे कर सकते हैं, हाइट एडजस्टमेंट कर सकते हैं। आइए अंदर बैठते हैं और हम ना इसे अभी ऑन करके देखते हैं। मैंने आपको इसे फिर से एक बार ऑन करके दिखा देता हूँ, अभी मैं बंद कर देता हूँ इसे।
और की आप देख लीजिए, ये कुछ की है, यहाँ पर मैं इसे लगा देता हूँ। स्टेयरिंग व्हील अगर आप देखेंगे ना, तो यहाँ पर भी आपको पूरा इसमें कवर दिया हुआ है, स्टेयरिंग व्हील का कवर ये कुछ आपको मिलता है। काफ़ी अच्छी स्टिचिंग यहाँ पर की गई है, मतलब ऐसा आफ्टर मार्केट आपको नहीं लगेगा। हॉर्न अगर आप देखेंगे तो ये कुछ हॉर्न है, सुजुकी की ब्रांडिंग आती है। बाकी अंदर की तरफ बैठने पर ना एक मतलब बोनेट तो नहीं दिखता है, लेकिन जो विजिबिलिटी आपको मिलती है ना अल्टो K10 की, वो काफ़ी ज़्यादा सही आपको मिलती है। और अंदर बैठने पर ना गाड़ी ऐसे आपको फ्रेश और थोड़ी सी ऐसी खुली खुली सी महसूस होगी, किसी भी प्रकार का ऐसा क्लस्टरोफोबिक सा फीलिंग आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। म्यूज़िक सिस्टम आप यहाँ पर देख सकते हैं, 12 in वाला म्यूज़िक सिस्टम है, USB और ऑक्स की यहाँ पर आपको कनेक्टिविटी जो है पूरी यहाँ पर मिल जाएगी। ये सभी फ़ोन के रिलेटेड कंट्रोल से फ़ोन उठाने के काटने के मेन्यू है आपके पास में। यहाँ पर साउंड्स को सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और सिस्टम सेटिंग्स आप सभी यहाँ पर कर सकते हैं। पावर विंडोज़ के सभी कंट्रोल से आपको 2 पावर विंडोज़ यहाँ पर मिलती है ड्राइवर और पैसेंजर के लिए। और यहाँ पर ये हेजार लाइट्स के सभी कंट्रोल से, नीचे आएंगे तो AC के कंट्रोल से, यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी AC के रिलेटेड आपको कंट्रोल्स मिलते हैं। अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा अंदर देखेंगे ना, तो ऑक्स की कनेक्टिविटी आपको यहाँ पर मिलती है। ये इसका 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन आपके पास में आता है। यहाँ पर हैंडब्रेक है और थोड़ी बहुत स्पेस आपको मिलती है। अगर आप ग्लोबॉक्स इसका देखेंगे तो ये कुछ इसका ग्लोबॉक्स हो गया। और आइए अभी ना मैं आपको इसका फ्रंट का बोनेट यहाँ पर खोल के दिखा देता हूँ। फ्रंट बोनेट अगर आप देखेंगे तो एक ही इंजन का ऑप्शन साथ में आती है, ऑल्टो K10। तो बोनेट अगर हम इसका खोलेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं 1000cc K10 सीरीज़ का 3-cylinder पेट्रोल इंजन आपको इसमें मिल जाता है, जो कि 65 BHP की पावर बनाता है और 24 KMPL का माइलेज कंपनी इसके ऊपर ऑफर करती है। बाकी ये कुछ पूरा इंटीरियर मतलब जो इंजन का कंपार्टमेंट है उसका लेआउट आप देख सकते हैं। और आप हमें बताइए कि ये वेरिएंट आपको कैसा लगता है। अभी ना मैं आपको इसका जो इसकी जो प्राइसिंग है कंप्लीट, वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सुजुकी का ये पूरा एक्सेसरीज़ का, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर शोरूम एक्सेसरीज़ यहाँ पर कम्प्लीटली लगी हुई है। तो प्राइसिंग आपको अभी बतानी है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी प्राइसिंग की लिस्ट मैंने आपके लिए यहाँ पर तैयार की है। ये इसका स्पॉयलर है जो कि 3500 का है। फ्रंट बम्पर की ये प्राइसिंग है, रियर बम्पर व्हील आर्च, ये फ्लोरिंग है इसकी, साइड मोल्डिंग, डोर वाइज़र, अलॉय व्हील और ये सीट कवर हो गया इसका, और ये स्टेयरिंग व्हील का कवर। अभी अगर आप देखेंगे तो टोटल जो इसकी प्राइसिंग आपको बढ़ती है वो 56,840 rupees की ये कंप्लीट आपको एक्सेसरीज़ यहाँ पर मिल जाती है। आप वीडियो को पुश करके भी देख सकते हैं, ये कम्प्लीटली एक्सेसरीज़ इसके ऊपर लगाई हुई है, जिसकी ये प्राइसिंग आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो ये कुछ पूरी एक्सेसरीज़ यहाँ पर आपने देखी अभी कि क्या कुछ एक्सेसरीज़ यहाँ पर लगाई हुई है। तो वीडियो को ज़रूर आप लाइक और शेयर कर सकते हैं और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इंस्टाग्राम के ऊपर भी आप हमें जो कुछ है फॉलो कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट वीडियो ना आपको एक्सप्रेसो के ऊपर मिल जाएगी देखने के लिए, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और इंस्टाग्राम के ऊपर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।